Hello everyone, welcome to Heritage. This is architect Mrityunjay Vasant and today I am going to discuss about a very interesting topic that is FAR and building bylaws. ये topics जो है आपका development control के अंदर में आता है और almost जो है ये 2 से 3 marks almost every year इस topic से 2 से 3 marks का question आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं previous year gate question में 1991 से लेके 2021 तक जो है almost every year question means पूछा गया है 2 से 3 marks का. तो इसमें जो है दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट मींस एक नंबर वाला डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और दूसरा नंबर होता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं कि उसमें आपको न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ता है. तो इस टॉपिक को एंड करने का हम लोग का अप्रोच है, कैसे ख़त्म करेंगे. इस टॉपिक्स में मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. पार्ट ए, इंट्रोडक्शन ऑफ FAR, क्योंकि FAR बायोलॉजी पर है तो FAR हम लोग को जानना जरूरी है कि FAR क्या होता है. दूसरा नंबर चीज़, इसमें जो है सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपका कभी कभी पूछा जाता है कि कारपेट एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है. इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कभी कभी गवर्नमेंट जॉब्स में, डायरेक्ट इस सब का डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है, ऐसा देखा गया. ऐसा मैंने मतलब रिसर्च कराई तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है और गेट में जो है इसके बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और पार्ट सी में जो है कुछ इसमें जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का भी क्वेश्चन मर्ज करके बनाया हुआ है और पूछा भी गया हुआ है. और पार्ट डी में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे FAR बायोलॉजी का, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे इसमें, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन का और गवर्नमेंट जॉब्स का. तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ FAR से. ओके, सो FAR का फुल फॉर्म अगर देखें, FAR का फुल फॉर्म देखें, फ्लोर एरिया रेशियो. बेसिकली इट इज़ अ रेशियो. ये जो है एक रेशियो है. किस चीज़ का रेशियो है FAR जो है, ये रेशियो है किस चीज़ का? तो ये है रेशियो FAR इक्वल्स टू नेट फ्लोर एरिया ऑन ऑल द फ्लोर इंक्लूडिंग वॉल्स टू द टोटल प्लॉट एरिया. मैं क्या बोला हूँ, नेट फ्लोर एरिया ऑन ऑल द फ्लोर्स इंक्लूडिंग वॉल्स टू द टोटल प्लॉट एरिया इज कॉल्ड FAR. और ये जो है इस शॉर्ट में हम लोग याद रखते हैं ना, FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया बाई टोटल प्लॉट एरिया. फर्स्ट फॉर्मूला जो है नेट फ्लोर एरिया ऑन ऑल द फ्लोर्स इंक्लूडिंग वॉल, ये टोटल बिल्टअप एरिया. तो FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया बाई टोटल प्लॉट एरिया, आज से याद रखना. FAR इक्वल्स टू TBA, टोटल बिल्टअप एरिया बाई TPA, टोटल प्लॉट एरिया. तो फर्स्ट फार्मूला जनरेट हो गया आपका इस टॉपिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस फार्मूला का, FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया बाई टोटल प्लॉट एरिया. ये तो है कि FAR है क्या. अब हाउ टू कैलकुलेट FAR, हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे FAR को. सपोज एज्यूम करते हैं कि वी हैव ए प्लॉट ऑफ 50 मीटर बाई 100 मीटर का प्लॉट है हम लोग के पास एक, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग डेवलप कर रखा है सपोज 40 बाई 60 मीटर स्क्वायर का. फर्स्ट फ्लोर पे मैंने डेवलप कर रखा है सेम 40 बाई 60 मीटर स्क्वायर का, और सेकेंड फ्लोर पे मैंने डेवलप कर रखा है सपोज 30 बाई 40 मीटर स्क्वायर का. तो इस तो फिर FAR कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड FAR. सो FAR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट फ्लोर एरिया ऑन द ऑल नेट फ्लोर एरिया ऑन ऑल द फ्लोर्स. तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तो टोटल फ्लोर का एरिया कितना हो गया, ये 2400 मीटर स्क्वायर, सेम 2400 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया 1200 मीटर स्क्वायर. तो 6000 मीटर स्क्वायर आ गया आपका टोटल फ्लोर पे जो है एरिया कवर हुआ है 6000 मीटर स्क्वायर. और हम लोग के पास टोटल प्लॉट एरिया कितना है, टोटल प्लॉट का जो है ना एरिया, टोटल प्लॉट का एरिया है हम लोग के पास 100 मीटर बाय 50 मीटर का. तो मीन्स
5,000 मीटर, 5,000 मीटर स्क्वायर हम लोग के पास टोटल प्लॉट एरिया है, और टोटल फ्लोर का जो एरिया आया है हम लोग का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर का एरिया, ये आया हुआ है आपका 6,000 बाय नेट फ्लोर एरिया ऑन ऑल द फ्लोर्स बाय टोटल फ्लोर एरिया, टोटल प्लॉट एरिया मीन्स 5,000। तो इसका मतलब है 6 बाय 5 दैट इज 1.2। समझो, ये 1.2 कहने का मतलब है, 1.2 जो है आया है FAR, इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना प्रपोज्ड जो साइट, ये जो साइट है आपके पास 100 बाय 50 मीटर्स का, तो इसका हम लोग 1.25 मींस 1.2 टाइम्स जो है ना, इतना टाइम्स जो है हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। अगर टोटल बिल्टअप एरिया देखें तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा, तो हम लोग जो है इसका बिल्ड कर सकते हैं 5,000 × 1.2 times दैट इज 6,000 मीटर स्क्वायर, और है भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिला के 6,000 मीटर स्क्वायर है भी। कहीं कहीं पे देखते हैं ना FAR equals to कहीं पे लिखा रहता है 1 या 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये इसका मतलब क्या होता है रियल में? इसका मतलब होता है कि आपके पास सपोज एक्स बाय वाई यूनिट का जो है प्लॉट है, एक्स बाय वाई यूनिट का प्लॉट है, और FAR 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 है, तो इसका मतलब होता है कि टोटल जो है आप बिल्ट कर सकते हैं इसमें इतना टाइम्स, इसमें जो है एक्स इंटू वाई टोटल प्लॉट एरिया आ गया, और 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई टोटल बिल्ट कर सकते हैं आप। अगर 2 लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई, अगर 2.5 लेते हैं तो बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया क्या हो जाएगा 2.5 इंटू x इंटू वाई, 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। अगर देखें तो यहीं से मॉडिफाई करके फॉर्मूला आया हुआ है, लिख दें हम यहां से टोटल बिल्टअप एरिया इक्वल्स टू, टोटल बिल्टअप एरिया इक्वल्स टू FAR इंटू टोटल प्लॉट एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहीं से है, ये सेम फॉर्मूला ही है एक तरीका से देखे तो, FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। तो टोटल बिल्टअप एरिया अगर निकालना है तो FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया डायरेक्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला ये छोटा सा फॉर्मूला इसी का है, सब यूनिट वाला सब फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना टोटल बिल्टअप एरिया अगर निकालना हो तो FAR से अगर मल्टीप्लाई कर दें जो FAR दिया हुआ है टोटल प्लॉट को, तो हम लोग टोटल बिल्टअप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या है? इट इज़ द फुल एरिया ऑफ हाउस, अपार्टमेंट, ऑफिस, कोई भी, इट इज़ एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ ऑल द वॉल, एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ ऑल द वॉल, किचन, टॉयलेट एंड पैसेज। इसमें जो है ना बालकनी ओनली 50% एरिया ही मीन्स कंसीडर किया जाता है। तो कारपेट एरिया क्या हो गया? इट इज़ द फुल एरिया ऑफ हाउस, अपार्टमेंट एट्सेट्रा, इस एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ ऑल द वॉल्स, किचन, टॉयलेट, और इसमें जो है ना किचन, टॉयलेट एंड पैसेज ओनली 50% बालकनी एरिया जो है एड किया जाता है। जनरली एरिया ऑफ द फ्लोइंग पोर्सन आर एक्सक्लूडेड, कौन कौन सा एरिया जो है एक्सक्लूड किया जाता है? यही है था किचन, टॉयलेट एंड पैसेज वाला चीज़। तो इसमें जो है सबसे पहला नंबर है वॉल एरिया को एक्सक्लूड करेंगे, फिर किचन एंड पेंट्री जो है, टॉयलेट एंड स्टोर, स्टेयर एंड स्टेयर कवर जिसको हम लोग ममटी लेवल बोलते हैं, ममटी बोलते हैं, वेरेंडा, पैसेज और कॉरिडोर, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्च, साफ्ट रूम, मशीन रूम एंड लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग डक्ट एंड प्लांट रूम, ये सब कुछ जो है एक्सक्लूड करते हैं हम लोग कारपेट एरिया में। वॉल एरिया जो होता है ना, वॉल एरिया इंक्लूड करता है मींस वॉल एरिया में जो है कौन कौन सा एरिया आ जाता है? वॉल एरिया में आपका डोर, विंडो का ओपनिंग्स भी आ जाते हैं, और जो भी इंटरमीडिएट पिलर्स हैं या वॉल में जो भी पिलर्स हैं तो वो वॉल एरिया में ही आ जाते हैं। तो ये वॉल एरिया में इंक्लूड होता है डोर, विंडो, बट कारपेट एरिया में ये वॉल एरिया माइनस हो जाएगा, तो डोर, विंडो वाला भी एरिया माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर है आपका बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया है इट इज़ द कारपेट एरिया प्लस, जो कारपेट एरिया है उसमें बस हम थिकनेस ऑफ वॉल कर दें एंड थिकनेस ऑफ ऑल द वॉल, बालकनी इसमें फुल एरिया, उसमें 50% इसमें फुल एरिया एंड किचन, किचन एंड टॉयलेट, तो ये बिल्टअप एरिया हो गया। प्लिंथ एरिया होता है इट इज़ द बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया, ओके, सच एज लिफ्ट, लॉबी, स्टेयरकेस। फिर सुपर बिल्टअप एरिया भी इट इज़ द बिल्टअप एरिया प्लस प्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ कॉमन एरिया सच एज
लॉबी लिफ्ट स्टेरकन केस शाफ्ट एट्सेट्रा, तो ये टर्मिनोलॉजी है आपकी। ओके और थर्ड वन में मूव करते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर पार्ट सी में हम लोग मूव करते हैं। पार्ट बी में जो है एक टर्म है रह गया था जो है ग्राउंड कवरेज, तो आइए समझते हैं क्या है ग्राउंड कवरेज। इसको मैं शॉर्ट में जी सी लिखता हूँ। ये इतना दमदार पॉइंट है कि ये पॉइंट समझने के बाद आप लगभग FAR बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये बड़े ध्यान से देखना ग्राउंड कवरेज क्या है। ये जो है ग्राउंड कवरेज जो होता है, इट इज़ द टोटल एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू द टोटल प्लॉट एरिया। मैंने क्या बोला, ग्राउंड कवरेज इक्वल्स टू होता है ये टोटल एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू द टोटल प्लॉट एरिया। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड कवरेज। मीन्स ग्राउंड पे कितना कवर कर रहा है बिल्डिंग एरिया को बाय टोटल प्लॉट एरिया। अगर यूनिफॉर्म रहता है, अगर फ्लोर एरिया अगर यूनिफॉर्म रहे, तो ये एक बार यूपीएससी या इसरो का ही क्वेश्चन बन गया था कि ग्राउंड कवरेज जो होता है अगर यूनिफॉर्म रहे तो उस केस में हो जाता है आपका, ये भी फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ एनी वन फ्लोर बाय टोटल प्लॉट एरिया। कोई एक फ्लोर अगर यूनिफॉर्म है तो कोई एक फ्लोर का एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया अगर करते हैं तो ये आपका ग्राउंड कवरेज फाइंड आउट हो जाता है। इसे एक बार गेट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है ग्राउंड कवरेज का परसेंटेज में, अगर जब परसेंट रहे तो बस इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये ग्राउंड कवरेज का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, वहाँ करते हैं जब हम लोग को नंबर ऑफ फ्लोर अगर कैलकुलेट करना, तो ग्राउंड कवरेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग के पास जो है ना प्लॉट का एरिया जो है, प्लॉट एरिया हम लोग के पास है 100 मीटर स्क्वायर और ग्राउंड कवरेज जीसी जो है 25% है, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना बनेगा। ये जीसी का मतलब क्या है, 25% ग्राउंड कवरेज का मतलब है कि प्लॉट एरिया आपके पास 100 मीटर स्क्वायर है, तो ग्राउंड कवरेज 25% करने का मतलब है कि एक फ्लोर का जो है एरिया जो है ये 25% टोटल प्लॉट एरिया का जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। मीन्स 100 स्क्वायर मीटर का 25% दैट इज 25% दैट इज 25 मीटर स्क्वायर, तो एक फ्लोर पे जो है 25 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ऑक्यूपाई होता है, तो नंबर ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्लोर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे टोटल प्लॉट का एरिया जो है आपके पास 100 मीटर स्क्वायर है और एक फ्लोर जो है 25 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 25 मीटर स्क्वायर वाला कितना फ्लोर बन सकता है, तो 25 × 4 फ्लोर्स बन जाएंगे ना, दैट इज G+3। तो सिंपल सा जो है नंबर ऑफ फ्लोर्स कैलकुलेट करने में जो है ग्राउंड कवरेज का यूज है। आगे और भी वैरायटी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये फंडामेंटल चीज़ था ग्राउंड कवरेज का, तो ये वाला चीज़ उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा टर्म था पार्ट सी में जो है, एक छोटा सा टर्म है डेंसिटी। ओके वो मैं बता देता हूँ। डेंसिटी वाला चीज़ इसलिए थोड़ा सा जाना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि मैं बता दी होंगी, डेंसिटी वाला चीज़ ज़रूर बताई होंगी, बट ये अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी अगर करना रहे तो FAR बायोलॉजी में मर्ज करके जो है डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट डाल देता है। तो वो क्या है समझो, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी जो है ये दो टाइप्स के पढ़े होंगे आप लोग सेमेस्टर में, नेट डेंसिटी एक होता है, एक होता है आपका ग्रॉस डेंसिटी।
इसको मैं एनडी से डिनोट करता हूँ और इसको मैं जीडी से डिनोट करता हूँ। ये क्या है एनडी और जीडी? ये होता है टोटल पॉपुलेशन बाय नेट, में नेट रेसिडेंशियल एरिया आ जाता है, बस ध्यान रखना नेट रेसिडेंशियल एरिया, ये है नेट डेंसिटी। और ग्रॉस में टोटल पॉपुलेशंस बाय, इसमें टोटल एरिया आ जाता है। तो फाइनली क्या ऑब्जर्व किए हैं, नेट डेंसिटी वाला में क्या आ जाएगा, नेट रेसिडेंशियल एरिया रहेगा और ग्रॉस डेंसिटी वाला में टोटल प्लॉट का एरिया। कहने का मतलब है कि इफ वी हैव अ प्लॉट ऑफ 10 हेक्टेयर, ये प्लॉट का जो है एरिया है 10 हेक्टेयर है सपोज, और नेट रेसिडेंशियल एरिया जो है ना आदमी सपोज करो कि रह रहा है, रेसिडेंशियल जो एरिया है और ये है रेसिडेंशियल एरिया जो है, ये 5 हेक्टेयर सपोज कर लेते हैं कि है, 5 हेक्टेयर में आदमी रह रहा है और इसका पॉपुलेशन एज्यूम कर लेते हैं, सारा चीज पॉपुलेशन एज्यूम कर लेते हैं कि 5000 आदमी हैं। तो नेट डेंसिटी कैसे निकाले, एनडी हो जाएगा इसका टोटल पॉपुलेशन 5000 बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया, जो नेट जितना में रह रहा है, तो 5 हेक्टेयर में रह रहा है तो बस 5 हेक्टेयर आ जाएगा। ओके, तो पर्सन पर हेक्टेयर आ जाएगा ना, तो 5000, तो ये 1000 PPH हो जाएगा। और यही सेम चीज़ जो है अगर ग्रॉस में जाएं, ग्रॉस डेंसिटी में अगर जाएं, तो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन जो है बाय, अगर इसमें टोटल प्लॉट एरिया आ जाएगा, 5 हेक्टेयर नहीं आके यहाँ पे 10 हेक्टेयर आ जाएगा, तो इसका जो है ग्रॉस वाला हो जाएगा 500 पर्सन पर हेक्टेयर, PPH का मतलब पर्सन पर हेक्टेयर। थोड़ा सा चीज़ याद रखना कन्वर्जन इसमें, कि जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, एक एकड़ 4047 होता है मीटर स्क्वायर, और एक हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.47 एकर्स। ये दो तीन चीज़ ध्यान रख लेना, एक हेक्टेयर में कन्वर्जन में बहुत काम देगा, कि जब भी हेक्टेयर हो, 20 हेक्टेयर हो, 50 हेक्टेयर हो, तो जस्ट मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर से, अगर एकड़ में है तो इससे और हेक्टेयर में है तो इससे, ठीक है। तो कभी कभी जो है फाइनल में जो है मीटर स्क्वायर में आंसर आता है, तो पूछ देते हैं कि एकड़ में बताना है तो उसमें 4047 से डिवाइड कर दो, या हेक्टेयर में है तो 10,000 से डिवाइड कर दो, अगर हेक्टेयर में आंसर पूछता है तो 10,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या हेक्टेयर में दिया रहता है, मीटर स्क्वायर में पूछे तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कन्वर्जन वाला चीज़ याद रखना, ठीक ना। तो ये डेंसिटी वाला चीज़ है। तो अब हम लोग आगे की तरफ रुख करते हैं, वो होगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब डिफरेंट कैटेगरी के। ओके सो सबसे बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, सबसे बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। क्या है क्वेश्चन, एक ए साइट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर हैज मैक्सिमम परमिसिबल FAR इज 1.5, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल बिल्ट अप एरिया इन स्क्वायर मीटर फ्रॉम द गिवन साइट। क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, साइज ऑफ द प्लॉट और साइट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और मैक्सिमम FAR दिया हुआ है अपना 1.5, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल बिल्ट अप एरिया। तो भी पढ़े थे ना, FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्ट अप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया, ये वाला फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, TBA इक्वल्स टू FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया, मीन्स टोटल बिल्ट अप एरिया पूछ रहा है, तो टोटल बिल्ट अप एरिया 1.5 टाइम्स हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर का, मीन्स अगर करो 300 मीटर स्क्वायर आ गया, डन। सेकेंड वन इज
ये मणिपुर का है, मणिपुर के गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, अ प्लॉट एरिया मेजर्स 20 मीटर बाय 15 मीटर, द परमिसिबल ग्राउंड कवरेज इज 30% एंड एफ ए आर इज 1.2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स दैट कैन बी बिल्ट इज। तो क्या है इसमें दिया हुआ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्लॉट एरिया है आपके पास 20 मीटर बाय 15 मीटर, 15 × 2 = 30 और एक जीरो लग जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ग्राउंड कवरेज देखना, जीसी 30% दिया हुआ है, तो ग्राउंड कवरेज जो है ना, ग्राउंड पे कवर है, मीन्स ग्राउंड पे जो है कवर कर रहा है एरिया, वो है इसका 30%, मीन्स 300 मीटर स्क्वायर का 30% जो है कोई एक फ्लोर पे कवर कर रहा है एरिया। ठीक है ना, तो 90 मीटर स्क्वायर का एक फ्लोर पे, कोई फ्लोर पे एक 90 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, बिल्टअप एरिया निकाल लें। टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ से है एफ ए आर इंटू टोटल प्लॉट एरिया, तो एफ ए आर है आपका 1.2 × टोटल प्लॉट एरिया आ जाएगा 20 मीटर × 15 मीटर। तो ये था 300 × 1.2 ना, 1.2 × 300 मीटर स्क्वायर ना, 12 × 3 = 36 और 2 जीरो है तो 360 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ग्राउंड कवरेज जो है ये, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना हो जाएगा, टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। तो टोटल बिल्टअप एरिया क्या आ गया यहाँ से, 360 मीटर स्क्वायर बाय टोटल ग्राउंड कवरेज कितना का है, 90 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ से आ गया 90 × 3 = 60, 4, 4 फ्लोर आ जाएगा ना, बी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या डिराइव करके आया है, नंबर ऑफ फ्लोर अगर फाइंड आउट करें, यहाँ से ये फार्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। इसको और थोड़ा सा डीप में ले जाओ फार्मूला को, तो यहाँ से मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फ्लोर, ध्यान देना, नंबर ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया को हम लिख सकते हैं ना, एफ ए आर इंटू टोटल प्लॉट एरिया बाय ग्राउंड कवरेज, ये वाला फार्मूला। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, नंबर ऑफ फ्लोर्स इक्वल्स टू एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। वही किए, टोटल बिल्टअप एरिया जो है आपका एफ ए आर टाइम्स है ना, एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। तो एक फार्मूला ये, तो न्यूमेरिकल से ही हम लोग जो है फार्मूला ड्राइव करते, डेरिवेशन करते चले जाएंगे। तो फार्मूला भी याद रख लेना और जनरल फार्मूला भी बनते चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर टू, तो इससे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, नंबर ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू एफ ए आर इंटू टी पी ए बाय ग्राउंड कवरेज। ओके, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ ग्रुप हाउसिंग, ये एनबीसीसी 2018 का क्वेश्चन है। अ ग्रुप हाउसिंग प्लॉट ऑफ 400 मीटर स्क्वायर ब्यूटिंग अ रोड 20 मीटर वाइड इज परमिटेड टू हैव 35% ग्राउंड कवरेज एंड मैक्सिमम एफ ए आर इज 1.25, एज्यूमिंग द 70 स्क्वायर मीटर 70 स्क्वायर मीटर ऑफ सुपर बिल्टअप एरिया, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी अकोमोडेटेड। 70 स्क्वायर मीटर वाला एरिया जो है, 70 मीटर स्क्वायर वाला जो है यूनिट कितना अकोमोडेट हो सकता है इस वाले प्लॉट पे, और अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सीधा बताओ टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया मैं लिख रहा हूँ एफ ए आर इंटू टोटल प्लॉट एरिया, ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, एफ ए आर इंटू टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, तो एफ ए आर है आपका 1.25 और टोटल प्लॉट एरिया है 400, तो ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर, और एक जो है यूनिट
एक यूनिट जो है सुपर बिल्टअप एरिया वाला जो है ये 70 स्क्वायर मीटर के बराबर है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 70 70 स्क्वायर मीटर वाला कितना यूनिट बन जाएगा? 500 स्क्वायर मीटर में टोटल बिल्टअप एरिया इतना आ गया, तो 70 70 स्क्वायर मीटर वाला कितना बन सकता है? तो नंबर अगर निकालें, यूनिट्स अगर कैलकुलेट करें, तो 500 मीटर स्क्वायर जो है बाय 70 मीटर स्क्वायर, तो नंबर में वैल्यू आएगा तो 7.1 के करीब है। तो नंबर में दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट अप्रोक्स में जो है जो आंसर है इसको हम साथ ही बोलेंगे। और इसमें लग रहा होगा कि सर तो यूज ही नहीं किए हैं ग्राउंड कवरेज वाला, तो इसका ग्राउंड कवरेज का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर ग्राउंड कवरेज का यूज कर दे तो ग्राउंड कवरेज कितना दिया हुआ है? 35%। 35% ग्राउंड कवरेज का मतलब वही चीज़ है कि 400 का 35% ना, 400 मीटर स्क्वायर का 35%, 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 35 × 4, 140 मीटर स्क्वायर आ गया ना, ग्राउंड कवरेज 140 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये ग्राउंड कवरेज का हो गया कि एक कोई कोई एक फ्लोर पे जो है 140 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा और एक यूनिट जो है 70 स्क्वायर मीटर का है, तो इसका मतलब ये भी दिख रहा है ना कि अगर एक फ्लोर है, सपोज करो एक फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर कोई एक फ्लोर पे 140 मीटर स्क्वायर है एरिया है और एक यूनिट है 70 मीटर स्क्वायर का, तो एक फ्लोर पे दो यूनिट आ रहा होगा, यूनिट वन और यूनिट टू, ये 70 मीटर स्क्वायर का होगा और ये भी 70 मीटर स्क्वायर का होगा, मतलब एक फ्लोर पे दो यूनिट आ रहा होगा, ठीक है। मीन्स दो यूनिट पर फ्लोर, मैं बोल सकता हूँ टू यूनिट पर फ्लोर बोल सकता हूँ। ग्राउंड कवरेज का मतलब ये होता है कि कोई एक फ्लोर पे जो है कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 140 है और एक यूनिट 70 का है, तो ये आ गया दो यूनिट, एक फ्लोर पे दो यूनिट हो रहा होगा। तो मैं नंबर ऑफ फ्लोर अगर निकालूँ यहाँ से, नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर कैलकुलेट करें, तो जो डेरिवेशन किए थे हम लोग, फॉर्मूला क्या था? एफ ए आर टाइम्स ऑफ टी बी ए बाई नंबर ग्राउंड कवरेज, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना है? टोटल बिल्टअप एरिया था तुम्हारा 500 बाय ग्राउंड कवरेज 140 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 से 7 2 से 25, ये आ गया 3.5 के करीब, मीन्स 3.57। कहने का मतलब है अगर 3.5 फ्लोर जा रहा है, देखो एक फ्लोर दो और तीन फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, सपोज करो सेकंड फ्लोर कर रहे हैं और एक दो तीन फ्लोर हो गया और 3.5 आया ना, 3.5 फ्लोर आया है, तो देखो एक यूनिट मीन्स एक फ्लोर में दो यूनिट था, एक फ्लोर में दो यूनिट है ना, दो यूनिट, एक एक दो 3 4 5 6 और एक यूनिट, ये टोटल 3.5, ऐसे भी प्रूव हो गया ना कि 3.57 कहने का मतलब 3.5 फ्लोर जाएगा, एक फ्लोर पे दो यूनिट था तो 2 4 6 और एक 7 यूनिट, ऐसे भी प्रूव हो रहा है कि 7 यूनिट बन जाएगा। और ऐसे भी यहाँ से भी फॉर्मूला से भी आ रहे 7.1, तो ग्राउंड कवरेज क्यों दिया हुआ था, यहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हो बनाने का और यहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हो बनाने का। तो ये क्वेश्चन बन गया ना, नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके अब प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा कैसा पूछा हुआ है, किस टाइप से पूछा हुआ है। अभी तक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स वाले और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। पहला क्वेश्चन है गेट 2001 का, अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 20 मीटर फ्रंटेज एंड 25 मीटर डेप्थ इज गवर्न बाय द डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ मैक्सिमम एफ ए आर ऑफ 200 एंड मैक्सिमम प्लॉट कवरेज इज 50%, अप टू वाट मैक्सिमम हाइट कैन बी प्लॉट बी बिल्ट? ऑप्शन नंबर ए 2 फ्लोर, ऑप्शन नंबर 3 3 फ्लोर और ऑप्शन नंबर 4 फ्लोर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10 फ्लोर, ठीक है 10 फ्लोर तक जा सकता है क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से मुझे कुछ याद आ रहा है, एफ ए आर जैसे कि 200 लिखा रहा है, एक टर्म है आपका एफ ए आर फ्लोर एरिया रेशियो और एक टर्म है एफ एस आई, ये ध्यान रखना, एक टर्म होता है एफ ए आर फ्लोर एरिया रेशियो, एक टर्म है एफ एस आई सॉरी एफ एस आई फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो एक्चुअली एफ ए आर परसेंटेज में होता है और ये एफ ए आर जो होता है बाय 100 करके, जैसे कि यहाँ पे 200 लिखा हुआ है तो इसको कंसिडर करना एफ ए आर में 2, और एफ एस आई में जो है इसको हम कंसिडर करेंगे, इसका भी एफ ए आर 2 ही कंसिडर करेंगे। कभी कभी जो है ना एफ एस आई 300 200 दिया जाता है, 200 दे दे या 300 दे दे, तो एफ ए आर इसका कंसिडर करेंगे 3, ठीक है ना, तो वो नंबर बस कैलकुलेट कंसिडर करना है। तो अब चलिए देखते हैं,
कि अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 20 मीटर पर फ्रंटेज है, 20 मीटर का फ्रंट है और डेप्थ कितना है 25 मीटर डेप्थ है, 20 मीटर फ्रंट है और 25 मीटर डेप्थ है, ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 25 इंटू 20 करो, 500 मीटर स्क्वायर आ गया प्लॉट एरिया, आ गया आपका प्लॉट एरिया आ गया 500 मीटर स्क्वायर, और ग्राउंड कवरेज जो है ये FAR क्या आ गया, 200 दिया हुआ है तो कंसीडर करेंगे 2, तो टोटल बिल्टअप एरिया देख लो, टोटल बिल्टअप एरिया आ गया 2 टाइम्स ऑफ प्लॉट एरिया, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1000 मीटर स्क्वायर, और ग्राउंड कवरेज जो है, ग्राउंड कवरेज देखना, इसका मत निकाल देना ग्राउंड कवरेज, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसका हम इसको छोड़ के इसका निकालने लगते हैं ग्राउंड कवरेज, नहीं टोटल प्लॉट एरिया का, यहाँ से तो प्लॉट एरिया का ग्राउंड कवरेज निकालेंगे, 50% है, तो मीन्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 500 मीटर स्क्वायर का 50% मीन्स ग्राउंड कवरेज आ गया एक फ्लोर पे 250 मीटर स्क्वायर, तो 250 मीटर स्क्वायर मीन्स एक फ्लोर पे है, तो 1000 मीटर स्क्वायर अगर टोटल बिल्ट करना है तो कितना फ्लोर बन सकता है ये, तो नंबर ऑफ फ्लोर सेम फार्मूला है ना, टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज, जो उस टाइम डिराइव किए थे फार्मूला ग्राउंड कवरेज, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट 1000 बाय 250 मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल और ये आ गया 4, तो ऑप्शन 4 फ्लोर तक जा सकता है ना, गेट 2001 का क्वेश्चन, ठीक है, जो NVCC 2018 वाला क्वेश्चन बताए थे वो गेट 2003 का क्वेश्चन है, वो रिपीट क्वेश्चन था, मीन्स 2003 पहले गेट में पूछा हुआ था, फिर NVCC वाला सेम कॉपी करके 2018 में पूछ दिया था, ठीक है, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन फिर से हम करेंगे नहीं, अब चलते हैं गेट 2004 या 5 में आया हुआ क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, ओके ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर वाला क्वेश्चन क्या है, अ स्मॉल कमर्शियल प्लॉट, ये शायद गेट 2004-5 में आया हुआ है, कंफर्म नहीं है, देख लेना, ए स्मॉल कमर्शियल प्लॉट मेजरिंग 20 मीटर बाय 30 मीटर लोकेटेड इन कम्युनिटी सेंटर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज जो है 60% है एंड FAR जो है ये 300 बोल रहा है विथ फुलेस्ट लैंड यूटिलाइजेशन एंड यूनिफॉर्म फ्लोर एरिया हाउ मेनी फ्लोर्स कैन बी बिल्ट ऑन द प्लॉट, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10, अ स्मॉल कमर्शियल प्लॉट मेजरिंग 20 मीटर बाय
20 meter by 30 meter located in a community center is subjected to maximum ground coverage 60% and the FAR 300 with the fullest land utilization and uniform floor area. How many floors can be built on the plot? तो क्या दिया हुआ है देखो, फटाफट से कर लेते हैं। प्लॉट एरिया दिया हुआ है आपका, प्लॉट एरिया डायरेक्ट कर देते हैं 600 मीटर स्क्वायर आ गया। और ग्राउंड कवरेज जो है आपका बोला है 60%, तो 600 का 60% निकाल लो, 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और FAR अगर 300 है तो मीन्स उसको कंसीडर करेंगे हम लोग, FAR 300 दिया हुआ है तो कंसीडर करेंगे 3, इसलिए टोटल बिल्टअप एरिया मैं निकाल लेता हूँ। टोटल बिल्टअप एरिया FAR इंटू टोटल प्लॉट एरिया, टोटल प्लॉट एरिया 600 मीटर स्क्वायर है, तो 1800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1800 मीटर स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ फ्लोर अगर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ फ्लोर अगर फाइंड करना है तो टोटल जो है 1800 मीटर स्क्वायर है बिल्टअप एरिया, और ग्राउंड कवरेज है मतलब एक फ्लोर पे 360 मीटर स्क्वायर है, 360 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल 360 मीटर स्क्वायर वाला कितना फ्लोर बन जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल और ये कैंसिल। और देखो यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 18 × 10/36, 18 × 2 और 2 × 5, नंबर ऑफ फ्लोर 5 जी प्लस 4 मीन्स नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आ गए, 5 आ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2005 का क्वेश्चन है ये। अ प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 25 मीटर बाय 40 मीटर हैज़ ग्राउंड प्लस 4, जी प्लस 4 बिल्डिंग है ये, यहाँ पे लिख दिया है जी प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग विद द यूनिफॉर्म फ्लोर एरियाज इफ़ द लैंड हैज़ बीन यूटिलाइज टू इट्स फुलेस्ट एंड FAR इज 250, कैलकुलेट द परमिसिबल ग्राउंड कवरेज। देखो ग्राउंड प्लस 4 बोला है तो नंबर ऑफ फ्लोर जो है 4 नहीं लेना है, 4 लेना है, ग्राउंड भी इसमें कंसीडर करेंगे, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना आ जाएगा 4। तो हमें डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, देखो सॉल्व करते हैं। टोटल प्लॉट एरिया कितना है देख लो, प्लॉट एरिया जो है अपना है 25 × 4, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1000 मीटर स्क्वायर, FAR 250 लिखा हुआ है ना, तो 2.5 कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लोर जी प्लस 4 बोला है ना, जी प्लस 4, तो नंबर ऑफ फ्लोर 5 हो जाएगा, ग्राउंड भी कंसीडर करेंगे, जी प्लस 4 मतलब 5 फ्लोर का हो गया, ठीक है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं ना, FAR ये है और टोटल प्लॉट ये एरिया ये है, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, टोटल बिल्टअप एरिया FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया, तो आ गया 2500 मीटर स्क्वायर आ गया टोटल बिल्टअप एरिया, ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया ये आ गया। और नंबर ऑफ फ्लोर है 5, तो एक फ्लोर पे कितना आ गया, मतलब ग्राउंड कवरेज अगर देखा जाए, ग्राउंड कवरेज कितना हो जाएगा, देखो ग्राउंड कवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ एनी वन फ्लोर बाय टोटल प्लॉट एरिया। इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे ना कि ग्राउंड कवरेज वाला परसेंटेज में पूछा है, तो अगर परसेंटेज में ग्राउंड कवरेज पूछे तो एरिया ऑफ एनी वन फ्लोर, कोई एक फ्लोर का एरिया जो है बाय टोटल प्लॉट का एरिया इंटू 100 कर देना है। तो देखो नंबर ऑफ फ्लोर 5 है और टोटल बिल्टअप एरिया 2500 आया है, तो एक फ्लोर का एरिया कितना आ जाएगा, 2500 स्क्वायर मीटर में 5 फ्लोर में अगर डिवाइड करते हैं तो पर फ्लोर एरिया कितना आ गया, पर फ्लोर एरिया आ गया 2500 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर, एक फ्लोर पे जो है 500 मीटर स्क्वायर आएगा, तो एरिया ऑफ एनी वन फ्लोर कितना आ गया, 500 बाय टोटल प्लॉट का एरिया कितना है 1000, और परसेंटेज में पूछा है तो 100, ये आ गया 2 और ये आ गया 50%, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला बन गया है, ध्यान रखना ग्राउंड कवरेज का जो है अगर निकालना हो, अगर ग्राउंड कवरेज निकालना हो तो एरिया ऑफ एनी वन फ्लोर बाय टोटल प्लॉट का एरिया, कोई भी एक फ्लोर का एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया कर देते हैं, तो ग्राउंड कवरेज अगर परसेंटेज में तो इनटू 100% कर देते हैं, बट ये चीज़ है कि यूनिफॉर्म रहना चाहिए, हाँ देख लेना ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये गेट 2007 का है, लिंक डाटा टाइप क्वेश्चन है। पहले जो है ना एक ही क्वेश्चन में एक डाटा दे दिया जाता था, उसमें दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, तो ये लिंक डाटा टाइप क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अ रेजिडेंशियल प्लॉट मेजरिंग 12 मीटर बाय 15 मीटर अबाउट अ रोड ऑन इट्स स्मॉलर साइड, 12 मीटर साइड वाला में रोड है, परमिसिबल ग्राउंड कवरेज इज 50% एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI जो बोल रहे थे उस टाइम, FSI जो है 2.5 है एंड द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोर जो है, मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोर 4 फ्लोर का होना है, तो बताना है मैक्सिमम बिल्डेबल एरिया इन स्क्वायर मीटर में। और सेम क्वेश्चन इसके नीचे इसी डाटा से, एज पर रिवाइज्ड बायलॉज इफ़ द रिक्वायर्ड सेटबैक आर द फ्रंट 3 मीटर ईच साइड 2 मीटर एंड रेयर 2 मीटर देन द मैक्सिमम बिल्डेबल एरिया, दोनों में बिल्डेबल एरिया का ही चर्चा है, तो देखते हैं एक एक करके। टोटल प्लॉट एरिया यहाँ से बताओ डायरेक्ट 12 मीटर बाय 15 मीटर कितना हो गया, मैं लिख दूँ डायरेक्ट 180 मीटर स्क्वायर, देखना टोटल प्लॉट एरिया 180 मीटर स्क्वायर हो गया। प्लॉट एरिया 180 मीटर स्क्वायर और ग्राउंड कवरेज कितना है, ग्राउंड कवरेज है आपका 50%, 50% ग्राउंड कवरेज को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 90 मीटर स्क्वायर, आधा है ना, मीन्स एक फ्लोर पे जो है कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है, 180 का आधा 50% मतलब 90 मीटर स्क्वायर। और FAR आपका दिया हुआ है, FAR है आपका दिया हुआ 2.5, इसलिए टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया जो फार्मूला हम बता रहे थे FAR इंटू टोटल प्लॉट एरिया, तो यहाँ से अगर टोटल प्लॉट एरिया निकाले तो FAR 2.5 टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया 180, ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। तो जल्दबाजी में हम लोग डी नंबर ऑप्शन चेक करके चले जा मतलब आगे बढ़ जाते, बट इसको थोड़ा सा चेक करना ये है कि ये जो ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है 50% वाला जो हुआ 90 मीटर स्क्वायर, तो देखते हैं कि ग्राउंड कवरेज 90 मीटर स्क्वायर हुआ है और ये टोटल बिल्टअप एरिया सपोज करो ये आ रहा है आपका कितना, टोटल बिल्टअप एरिया आ रहा है 450 मीटर स्क्वायर, तो कितना नंबर ऑफ फ्लोर आ गया, 450 स्क्वायर में नंबर ऑफ फ्लोर आ गया 450 मीटर स्क्वायर बाय 90 मीटर स्क्वायर का अगर करें तो नंबर ऑफ फ्लोर तो आ गया 5, जबकि वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना नंबर ऑफ फ्लोर कितना पे, 4 ही फ्लोर पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना, तो एक फ्लोर का जो है एक फ्लोर पे एरिया है 90 स्क्वायर मीटर, इसलिए 4 फ्लोर में टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 × 90 दैट इज 360 स्क्वायर मीटर, 360 मीटर स्क्वायर होगा ना कि 450 हो जाएगा, जल्दबाजी में हम लोग 450 कर देते ये वाला फॉर्मूला लगाते डायरेक्ट, बट क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट जो कर दिया है ना फ्लोर जो है 4 ही होना चाहिए, तो 90 × 4 360 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जो है ये बोला है कि एज पर रिवाइज बायलॉज इफ़ द रिक्वायर्ड सेटबैक आर फ्रंट 3 मीटर, ये जो है देखो किधर बनाऊँ, इधर बना देता हूँ, ये सपोज करो साइड था 12 मीटर बाय 15 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर का साइड था, आगे बोल रहा है कि 3 मीटर छोड़ दिए और पीछे 2 मीटर और साइड से भी कितना कितना मीटर बोल रहा है, साइड से भी इस साइड 2 मीटर, रेयर भी 2 मीटर, पीछे भी 2 मीटर और साइड साइड में भी 2-2 मीटर का गैप छोड़ दिया है, 2-2 मीटर और आगे से 3 मीटर, तो बीच में कितना बच गया है यहाँ से यहाँ 12 था, 2 मीटर सेटबैक इधर, 2 मीटर इधर सेटबैक, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना आ गया 12 − 4 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ था 15, तो 3 मीटर इधर छूट गया, 2 मीटर इधर छूट गया, 3×2 = 5 मीटर, तो 15 में से 5 गया 10 मीटर, तो नेट एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, एक फ्लोर पे एरिया कितना आ जाएगा, नेट एरिया एक फ्लोर पे आ जाएगा 8 × 10 मीन्स 80 मीटर स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितना कैलकुलेट किया, 4 नंबर ऑफ फ्लोर है ना यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल फ्लोर एरिया हो जाएगा 80 × 4 दैट इज 320 मीटर स्क्वायर, मीन्स टोटल 320 मीटर स्क्वायर, तो 320 मीटर स्क्वायर सेकंड केस में आ रहा है और 360 स्क्वायर मीटर फर्स्ट केस में आ रहा है, तो ऑप्शन क्या है डी नंबर की, डिक्रीज बाय 40 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर से दोनों का डिफरेंस कितना है 40 स्क्वायर मीटर, पहले वाला केस से सेकंड वाला केस में
कम हो गया है ना, जो सेटबैक जैसे ही छोड़े तो 40 स्क्वायर मीटर और हम लोग का कम हो गया। तो ये गेट 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं गेट 2009 की तरफ, शायद 2009 में है क्वेश्चन, 2008 में ऑब्जेक्टिव या कुछ में भी शायद नहीं आया है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का देखते हैं। अ नेबरहुड यूनिट विद अ टोटल एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स हैज अ ग्रॉस डेंसिटी ऑफ 300 पर्सन पर हेक्टेयर PPH। इफ द रेसिडेंशियल एरिया इज 60% ऑफ द टोटल एरिया देन द नेट डेंसिटी इन PPH ऑफ द नेबरहुड यूनिट इज। क्या क्या दिया हुआ है? टोटल एरिया दिया हुआ है, देखो टोटल एरिया दिया हुआ है 200 हेक्टेयर और ग्रॉस डेंसिटी दिया हुआ है 300% पर हेक्टेयर। इफ़ द रेसिडेंशियल एरिया जो है, रेसिडेंशियल एरिया है 60% ऑफ द टोटल एरिया का, सो देन द नेट डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो नेट डेंसिटी अभी मतलब थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, एक नेट डेंसिटी होता है एक ग्रॉस डेंसिटी होता है। तो नेट डेंसिटी निकालने के लिए हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, पॉपुलेशन बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, अगर ग्रॉस डेंसिटी दिया हुआ है 300, ग्रॉस डेंसिटी 300 PPH पर्सन पर हेक्टेयर दिया हुआ है, तो टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं कि P बाय टोटल एरिया कितना, 200 हेक्टेयर है, ठीक है, और 300% पर हेक्टेयर है, तो हेक्टेयर हेक्टेयर कैंसिल हो गया, तो टोटल पॉपुलेशन जो आ गया, टोटल पॉपुलेशन आ गया 3 × 2 = 6 / 40, दैट इज 60,000 पॉपुलेशन आ गया। तो टोटल पॉपुलेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 60,000 बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया जो है ये है 200 का 60%। ओके, तो देखो 1000 बाय 2 से, तो नेट डेंसिटी कितना आ गया आपका PPH में, पर्सन पर हेक्टेयर। एक होता है PPM, वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में होता है पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पे है PPH पर्सन पर हेक्टेयर। तो गेट 2009 का एक छोटा सा क्वेश्चन है, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन था, बस याद रखना नेट डेंसिटी पॉपुलेशन बाय नेट रेसिडेंशियल होता है, ग्रॉस में टोटल हो जाता है, ठीक है। और एक गेट 2009 का एक क्वेश्चन, ए कमर्शियल प्लॉट मेजरिंग 100 मीटर बाय 80 मीटर, इफ द परमिसिबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI इज 3 एंड द 50% ऑफ द ग्राउंड कवरेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स दैट कैन बी बिल्ट ईच। तो टोटल प्लॉट एरिया कितना दिया हुआ है, देखो प्लॉट है आपका 8000 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और FAR है तुम्हारा FSI, मींस इसको कम मतलब प्लॉट हो गया आपका, प्लॉट एरिया हो गया 8000 मीटर स्क्वायर और FSI है 3, मींस FAR 3 ही है, और ग्राउंड कवरेज GC है आपका 50%। तो 50% इन द सेंस मैं आप डायरेक्ट लिख दिया करूँगा 4000 मीटर हो गया ना, 4000 मीटर एक फ्लोर पे है। तो टोटल बिल्टअप एरिया निकालें, टोटल बिल्टअप एरिया सबसे पहले निकाल लो, तो FSI 3 × 8000 × 2400 मीटर स्क्वायर आ गया, 24000 मीटर स्क्वायर। और सो नंबर ऑफ फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लोर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकाले देना, नंबर ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। टोटल बिल्टअप एरिया आपका है 2400 मीटर स्क्वायर बाय ग्राउंड कवरेज कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर, 1, 2, 3, 24 बाय 4 6 नंबर ऑफ फ्लोर्स आ जाएगा ना डायरेक्ट। तो जो अभी तक हम कर रहे थे, जो भी फंडामेंटल हम लोग जो फॉर्मूला बनाए हुए थे उसी बेस पे सारे क्वेश्चन हैं। तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी अभी तो हल्का लेवल का चल रहा है, बाकी धीरे धीरे 2010 के बाद थोड़ा सा लेवल अप हुआ है क्वेश्चन का। तो अब 2010 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका पार्ट टू में देखेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो पहले पार्ट वन यहीं तक रहेगा, एक क्वेश्चन और 2010 का करके उसके बाद यहाँ इसको रोक देंगे, फिर पार्ट टू में जो है सब जो भी लेंथी क्वेश्चन है, जो भी थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो पार्ट टू में करा देंगे। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेट 2010 का. इफ द एरिया ऑफ अ प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ इट्स एडजॉइनिंग रोड्स इज 500 मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम परमिसिबल FAR इज 150 एंड मैक्सिमम परमिसिबल ग्राउंड कवरेज जो है ये 50% है, देन द यूटिलाइज फुलेस्ट ग्राउंड कवरेज GC, मतलब जहाँ जहाँ GC है लिखा हुआ ग्राउंड कवरेज, एंड एज्यूमिंग फ्लोर ऑफ इक्वल एरिया मीन्स यूनिफॉर्म फ्लोर है, द नंबर ऑफ स्टोरी दैट कैन बी बिल्ट ऑन द प्लॉट इज. तो अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है. तो डायरेक्ट जो फंडामेंटल मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है कि जैसे ही ग्राउंड कवरेज रहे तो सीधा सा टोटल प्लॉट एरिया कितना, टोटल प्लॉट एरिया है आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर में है, और FAR आपका है कितना, FAR है 150 है, क्या कंसीडर कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से तो 1.5 आ जाएगा, और ग्राउंड कवरेज है आपका GC ग्राउंड कवरेज है 50%, 50% मैं लिख दूं डायरेक्ट 1000 का 50% मतलब 500 मीटर स्क्वायर, और टोटल बिल्ट अप एरिया डायरेक्ट फार्मूला बताओ FAR है 1.5 इंटू टोटल प्लॉट एरिया 1000 मीन्स 1500 स्क्वायर मीटर. सो नंबर ऑफ प्लॉट का डायरेक्ट अगर फार्मूला बताएं, नंबर ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू टोटल बिल्ट अप एरिया 1500 मीटर स्क्वायर बाय ग्राउंड कवरेज कितना 500 मीटर स्क्वायर. तो नंबर ऑफ फ्लोर आ गया कितना, 3. देखा ना कितना इंपॉर्टेंट है ये वो वाला जो फार्मूला मैंने डिस्क्राइब करा था, हम लोग ने डिस्क्राइब करा था नंबर ऑफ फ्लोर, ये नंबर ऑफ फ्लोर था, नंबर ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लोर्स इक्वल्स टू FAR इंटू टोटल प्लॉट एरिया बाय ग्राउंड कवरेज, इसी को हम बोलते हैं टोटल बिल्ट अप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज. ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. ओके, तो यहीं पे रुकते हैं पार्ट वन को. पार्ट टू जल्दी से रिकॉर्ड करके आप लोग को जल्दी से रिकॉर्ड करके भेजने का कोशिश करेंगे, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. ये तो बेसिक्स है, मे बी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहे कि छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखने का. और बाकी सेकंड लेक्चर में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए फिर जल्दी जल्दी मिलते हैं. ओके.